Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल हॉल वीडियो. पर्पल वेबसाइट पे काफी अच्छा सेल चल रही है एंड प्राइसेस भी लो है, तो मुझे लगा अगर मैं इस टाइम आप लोगों के साथ ये हॉल वीडियो शेयर करूंगी तो आप सबको हेल्प होगी कि आप इस सेल में कौन कौन से प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूजफुल है. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. जो पहला प्रोडक्ट है वो मैंने रिव्यू वीडियो पर्पस के लिए ही परचेज किया है, वो है ये छुटकू सा गुड वाइब्स आर्गन फेशियल ऑयल विथ सिल्वर लिप लीव्स. ये काफी छोटा है, 10 ml का है ये एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल पैकेजिंग है. एक होम्योपैथी दवाई की तरह ये लग रहा है एंड इसके अंदर ना छोटे छोटे सिल्वर कलर के लीव्स भी है. आई डोंट नो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन नीचे छोटे छोटे सिल्वर कलर के पार्टिकल्स है इसके अंदर. इसको मैंने एक या दो बार ही इस्तेमाल किया है एंड मुझे बहुत ज्यादा यू नो वाव फैक्टर नहीं लगा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये थोड़ा सा ऑयली सा लगा, लेकिन शायद मैंने थोड़ा ज्यादा अमाउंट में ले लिया था क्योंकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी से ये लगा कि जस्ट वन ड्रॉप, एक ड्रॉप आपको लेना है. इसे अपने मॉइस्चराइजर के साथ आप इसे मिक्स कर सकते हैं और फिर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने अपने मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके अप्लाई किया है क्योंकि डायरेक्ट मैं ऑयल अपने फेस पर नहीं इस्तेमाल करती एंड ये तो आर्गन ऑयल, आर्गन फेशियल ऑयल है. सो ब्रेकआउट प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने इसे क्रीम के साथ इस्तेमाल किया है, मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया है. तो मुझे थोड़ा सा ये ऑयली ऑयली सा लगा, बट मैंने 2 drops ले लिया था. तो मुझे लगा आप अगर 1 drop ले सकते हैं देन डेफिनेटली ये काफी अच्छा एक ग्लो देता है आपके फेस को. प्राइसेस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी और प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेंशन कर दूंगी. आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो आर्गन फेशियल ऑयल है ये मैंने 2 purchase किया है. ये एक्चुअली 3 ml का है एंड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, ट्रैवलिंग के वक्त भी काम आएगा. सो मुझे लगा मैं ट्राई करके देख लेती हूँ. सो मैं इसे रात को इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं कुछ और दिनों तक इसे इस्तेमाल करूंगी एंड फिर आप लोगों के साथ एक अलग से रिव्यू वीडियो में शेयर करूंगी. एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इसका वीडियो शेयर करने के लिए, दैट्स व्हाई मैंने इसे 2 purchase किया है क्योंकि मुझे लगा 3 ml कितना दिन नहीं चलेगा. मैं तो हर प्रोडक्ट को 15 दिन मिनिमम ट्राई करती हूँ, तो मुझे लगा ये 15 दिन शायद नहीं चलेगा. बट जब मैंने इसे इस्तेमाल किया ना, तो अब मुझे लग रहा है कि 1 drop इज इनफ. तो 1 drop करके अगर मैं इस्तेमाल करूं तो इजीली ये 1 महीना चल जाएगी. नेक्स्ट मैंने NYBay प्राइमर को परचेज किया है क्योंकि आजकल मैं जब शूट करती हूँ ना तो इतना ज्यादा पसीना हो जाता है, एसी ऑफ रहता है, फैन ऑफ रहता है, तो मेकअप को स्टिक करने के लिए, उस टाइम स्टे करने के लिए प्राइमर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. हालांकि मेरी ड्राई स्किन है तो ये प्राइमर जब भी मैं इस्तेमाल करती हूँ ना मेरी स्किन और भी ज्यादा ड्राई हो जाती है. सो मुझे ये उतना हद तक पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी स्किन के लिए ये काफी ड्राई है. अगर आपकी ऑयली स्किन है देन डेफिनेटली ये आपकी स्किन के लिए परफेक्ट वर्क करेगा. ये अफोर्डेबल भी है एंड NYBay ब्रांड इज रियली गुड. मुझे उनके ब्रांड के काफी सारे प्रोडक्ट्स स्पेशली लिपस्टिक्स पसंद है. सो मैंने इसे परचेज किया एंड अफोर्डेबल भी था. सो आई थिंक मैं इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर लूंगी. सिर्फ टी जोन पर मैं इसे अप्लाई करूंगी और काफी कम क्वांटिटी में क्योंकि ये फेस को इतना ज्यादा ड्राई बना देता है, तो मेरे लिए उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है. नेक्स्ट कुछ लिप शेड्स मैंने ट्राई किया है फ्रॉम पर्पल इटसेल्फ. पर्पल का जो मिनीस है वो मैंने ट्राई किया है, ये आप देख सकते हैं. ये है पर्पल मिनीस का एक लिप शेड विच इज सो प्रिटी. ये शेड मुझे बहुत पसंद है एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट लिप शेड्स. ये न्यूट काइंड ऑफ शेड है जो हर किसी लुक के साथ अच्छा जाएगा. सो मुझे ये काफी पसंद है. नेक्स्ट मैंने सिमिलर काइंड ऑफ एक शेड परचेज किया है फ्रॉम NYBay. NYBay लिपस्टिक्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं एंड जो शेड डिटेल्स है वो भी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी. ये लिपस्टिक काफी लॉन्ग लास्टिंग है, तो अगर आप कोई अच्छा सा लॉन्ग लास्टिंग स्मज प्रूफ लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं देन गो फॉर दिस लिपस्टिक. ये काफी देर तक चलता है, बट हाँ ये थोड़ा सा लिप्स को ड्राई बनाता है, बट इसके प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दिस इज परफेक्ट. नेक्स्ट मैंने गुड वाइब्स से ये चारकोल पाउडर को परचेज किया है एंड आप लोग इसकी हालत से ही देख सकते हैं, जस्ट इतना नीचे थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, बाकी मैंने इस्तेमाल कर लिया है एंड ये बहुत ही अच्छा चारकोल पाउडर है. आप इसे रोज वाटर के साथ, दही के साथ या किसी दूसरे पाउडर के साथ जैसे नीम पाउडर या रोज पेटल्स पाउडर के साथ मिक्स करके, पानी के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं. चारकोल आपके फेस से जो इम्प्यूरिटीज है उसे अच्छी तरीके से निकाल देता है. सो मुझे ये तो बहुत पसंद है एंड ये है 35 grams का और दिस इज वर्थ परचेज. मैं आप लोगों को कहूंगी कि अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा पोर्स है, ओपन पोर की प्रॉब्लम है और इम्प्यूरिटीज जम जाते हैं आपके फेस पे, देन डेफिनेटली आप इस चारकोल पाउडर को ट्राई कर सकते हैं. अफोर्डेबल भी है, इफेक्टिव भी है. आप सभी को शायद पता होगा कि
मुझे एल्ब्स कूलनेस के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड मैंने एल्ब्स कूलनेस से ये नीम पाउडर परचेज किया है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको शायद पता होगा कि मैंने इस नीम पाउडर को कितना इस्तेमाल किया है एंड ये अभी भी पैक्ड सील्ड है एक्चुअली, क्योंकि मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। मेरा जो दूसरा वाला पैकेट था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। मुझे हमेशा नीम पाउडर स्टॉक में रखना ही होता है क्योंकि मैं कोई भी फेस पैक इस्तेमाल करती हूँ, जैसे ये चारकोल वाला, इसके साथ भी मैं नीम को थोड़ा सा मिक्स करके फिर रोज वाटर के साथ मिक्स करके मैं इस्तेमाल करती हूँ। नेक्स्ट मैंने रोज पेटल पाउडर भी ऑर्डर किया है, ये मैंने पहली बार ट्राई किया है एंड ये मुझे काफी अच्छा लगा। तो इसका पैकेट आप लोग देख सकते हैं, ये ओपन्ड है, मैंने इसे एक दो बार इस्तेमाल किया है एंड आई जस्ट लव्ड दिस वन। इससे फेस काफी सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है। नेक्स्ट मैंने एक और पाउडर ट्राई किया है एल्ब्स कूलनेस से, ये है अम्बा हल्दी पाउडर। और ये सारे पाउडर्स ना बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाएंगे पर्पल वेबसाइट पे। ब्रिंगराज पाउडर, आमला पाउडर, हेयर केयर जो पाउडर्स है ना उसके ऊपर अलग से मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। काफी ज्यादा इफेक्टिव है वो पाउडर्स और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, तो मेरे ख्याल से आप उन प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट कर ही सकते हैं एंड सेल के टाइम तो आपको और भी ज्यादा आपको अफोर्डेबल मिल जाएगी। बट हाँ, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, पर्पल से मुझे स्पॉन्सर की गई नहीं है, मैं खुद से ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप सबको पता चले कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा नहीं है। अगर आप इस सेल में परचेस करना चाहते हैं तो शायद ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी, इसीलिए मैंने इस वीडियो को शेयर किया है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसी तरीके का वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको लिंक्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।